नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण स्वस्तिका नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आज आपको लग रहा होगा कि मैं आपको मंत्र का जाप क्यों सुना रही हूँ, क्योंकि देखिए आज मैं आपको ना एस्ट्रोलॉजी बताने वाली हूँ, ना पामेस्ट्री बताने वाली हूँ और ना ही आपको मैं न्यूमरोलॉजी बताऊँगी। आज मैं आपको दिल्ली का दुर्गा पूजा का सैर कराने आई हूँ, सियार पार्क का, जो कि बंगाल के बाद दूसरा नंबर दिल्ली में सियार पार्क में लगती है। यदि आप दिल्ली में रह रहे हो और दुर्गा पूजा नहीं देखो हो सियार पार्क का, तो आप कुछ भी नहीं देखो। तो देखिए कितने सुंदर सुंदर यहाँ के पंडाल लगे हैं, और यहाँ की सबसे खास बात यह है कि यहाँ का पंडाल गजब का होता है, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत ही अट्रैक्ट करता है भक्तों को। तो आइए आपको मैं ले चलती हूँ दुर्गा पूजा के भक्तिमय सफर पे। सामने में कुछ प्रोग्राम होने वाले हैं, डांस वगैरह। और यहाँ के दुर्गा पूजा का एक और खासियत है, यहाँ का जो पंडाल जो होता है थीम बेस पे होता है, ये अलग अलग थीम पे होता है। आपको मैं दिखा रही हूँ, इधर प्रतिमा है दुर्गा माँ का, देखिए कितना भव्य, कितना आकर्षित, और आपको एकदम पास से दिखा रही हूँ दुर्गा जी, कितना अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ये लोग साल भर से, आज मतलब दसवीं के दिन विसर्जन होती है, उसके बाद से तैयारी करना शुरू करते हैं, और एक साल में इतने सुंदर तैयारी करते हैं कि देखने लायक होता है। मैं बार बार बोल रही हूँ कि अगर आप दिल्ली में रह रहे हैं और यहाँ का दुर्गा पूजा नहीं देखे हैं सियार पार्क का, तो आइए दुर्गा पूजा देखिए और माता रानी के पास आपके सारी मनोकामना पूर्ण होगी। देखिए कितनी सुंदर दुर्गा जी, एकदम पास से मैं दिखा रही हूँ, क्योंकि अष्टमी नवमी के दिन आपको इतने पास से देखने का मौका नहीं मिलेगा, इतनी भीड़ होती है, इतनी रश होती है, यहाँ पे आप नहीं देख सकते हैं, इसीलिए देखिए एकदम पास से दुर्गा जी का आपको दर्शन करा रही हूँ यहाँ पे। तो ये तो दुर्गा जी का प्रतिमा, और यहाँ पे बहुत खास कुछ है, यहाँ का सजावट कितनी अच्छी है। देखिए इधर दुर्गा जी का प्रतिमा है, और ये सामने में प्रोग्राम चल रही है, अभी कुछ देर में स्टार्ट होने वाली है, अभी भी कुछ चल रही है। कितना अच्छा लाइटिंग, कितनी अच्छी, अमेजिंग, लवली, बहुत सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है। देखिए यहाँ पे प्रोग्राम चल रही है, तो देखिए एक तरफ दुर्गा जी का प्रतिमा है ये देखिए, और दूसरी तरफ प्रोग्राम हमारे चल रहे हैं, और एक तरफ जो फूड कॉर्नर है। तो चलिए जो लोग फूडी है उसके लिए, जिनको खाना पीना बहुत पसंद है, अब भक्ति की बात हो गई, अब कुछ पेट पूजा की बात कर लेते हैं। तो आइए दिखाते हैं यहाँ पे किस किस चीज़ों का कॉर्नर है, तो आइए। देखिए यहाँ पे आपको कोल्ड ड्रिंक्स भी मिल जाएंगे, क्योंकि घूमते घूमते हम लोग को बहुत गर्मी लगने लगती है, बहुत ज़्यादा हम लोग थक जाते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक्स की ज़रूरत होती है। तो ये देखिए हमारा कोल्ड ड्रिंक्स का भी कॉर्नर है, और फिर आइसक्रीम भी है, एक से एक आपको फ्लेवर के मिल जाएंगे यहाँ पे आइसक्रीम। देखिए आइसक्रीम है, भेलपूरी है, चुस्की भी है, देखिए सारे चीज़ के यहाँ पे आपको कॉर्नर मिल जाएंगे, सारे चीज़ खाने का सारे आइटम मिल जाएंगे। हाँ, लेकिन थोड़ा सा महंगा होता है मार्केट से और दिनों से, यहाँ पे थोड़ा आपको महंगा मिलेगा, लेकिन हर चीज़ मिलेगा, भेलपूरी से पूरी झाल मुड़ी हर चीज़ मिल जाएगा, नींबू पानी हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ऑर्गेनिक टी यहाँ पे आपको मिलेगी, क्योंकि हम लोग ऑर्गेनिक पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं और बहुत अच्छी चीज़ होती है हेल्थ के लिए, तो ऑर्गेनिक भी यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिए दुर्गा जी का प्रतिमा भी मिल रही है, और चूड़ी वगैरह सब कुछ मिल रहे हैं, जो भी श्रृंगार का चीज़ होता है वो मिल रहे हैं। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पे? वेरी नाइस, इट इज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस है, इट्स रियली नाइस, आई एम एंजॉयिंग। आपने पूरा घूम लिया? अभी आधा घूमा, बाकी चल रहा है अभी। अच्छा, फर्स्ट टाइम आए हो? फर्स्ट टाइम। ऐसे तो ये बंगाली का त्यौहार है, लेकिन यहाँ पे आपको हर कल्चर का मिल जाएगा। देखिए पंजाबी लोग भी आए हुए हैं घूमने के लिए, और ये देखिए बंगाली भी आए हुए हैं। बंगाली का तो है ही त्यौहार, तो बंगाली का ये महत्वपूर्ण त्यौहार होता है, तो सब आते हैं यहाँ पे घूमने के लिए। यहाँ पे चाइनीज आपको हर चीज़ मिल जाएगा, चाइनीज़, वेज, नॉन वेज, हर आइटम के फूड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए इधर इधर कॉर्नर है नॉन वेज का, और उधर आपको वेज में फास्ट फूड जितने भी स्नैक्स वगैरह सब मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे आपको नॉन वेज का है क्या क्या चीज़ मिलता है। तो ये चिकन का है कॉर्नर, यहाँ पे चिकन का सारे आइटम, मतलब बहुत सारा आइटम होता है चिकन का, तो सारे आइटम आपको मिल जाएंगे।
यहाँ पे आपको भेज नूडल्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको भेज चिली गार्लिक नूडल्स वगैरह सब कुछ, चिली चिकन, चिली पोटैटो, मतलब सारा कुछ चाइनीज से लेके रोस्टेड से लेके ग्रेवी से लेके हर चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। आपको शायद कहीं मिलेगा किसी पूजा में इस तरह का, और बंगाली लोग के कल्चर में ये चीज़ होता है कि पूजा में उनको फीस मस्ट होता है। यहाँ पे आपको गुप्ता जी चाट, यहाँ पे एक चाट, छोले भटूरे, गोल गप्पे, गोल्डन चाप, मतलब सारा कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे मुगलई चिकन, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, सच में बहुत टेस्टी। यहाँ का नॉन वेज, वेज कोई भी फूड बहुत ही टेस्टी होता है, एक बार आप खाओगे, एक बार आओगे, बार बार आओगे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ है जो मटका मटन चिकन, यहाँ मटका मटन चिकन मिलता है जो कि काफ़ी टेस्टी, बहुत यमी होती है। अगर आप नॉनवेज खा रहे हो, अगर नॉनवेज खाते हो तो यहाँ पे आते हो तो ये ज़रूर खाना, क्योंकि बिल्कुल देसी फील आएगा इसमें, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है यहाँ की। इसमें मटके में बनाया जाता है, मिट्टी के बर्तन में, बिल्कुल हाइजेनिक, बहुत हाइजेनिक होता है, बहुत अच्छा होता है, बहुत टेस्टी, बहुत यम्मी। मटका चिकन जो है हमारे चंपारण का देसी स्टाइल होता है, कोयले की आग पे बनता है और पूरा प्रोसेस मटके में ही होता है। प्याज भी इसी बनते हैं, फॉर्चून का सरसों तेल यूज करते हैं, हाइजेनिक भी होता है। और ये तो मटके में बन रहा है, ऑलरेडी हाइजेनिक है, इसमें बैक्टीरियल तो कुछ हुआ ही नहीं। और चिकन को बनने में कम से कम पूरा प्रोसेस ये होता है 2 घंटे का, बहुत टाइम लगता है, 1.5 घंटे चिकन में और 2.5 घंटे मटन बनने में। ये मटके बिरयानी, मटका मटन, मटका चिकन, देखा आपने, सुना कितने अच्छी चीज़ होती है। तो आप अगर यहाँ पे आ रहे हैं, सियार पार्क आ रहे हैं, तो मटका चिकन का लुत्फ जरूर उठाइए। ये देखिए फीस, इधर आपको फीस दिख जाएगी, जो कि हमारे बंगाली की सबसे बड़ी पहचान होती है फिश, तभी तो दिमाग इतना तेज होता है। तो ये फिश बहुत टेस्टी लगती है, मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया है, लेकिन आज मैं नहीं खा सकती क्योंकि मेरा नमी को बर्थ खुलेगा, ये 6 डेज वाला है, तो फिर नमी के दिन जब मैं यहाँ आऊँगी तो सारा कुछ ट्राई करूँगी। टेस्टी है और सबसे अच्छा है। आप फर्स्ट बार ट्राई किया हो या फिर और इससे पहले कभी ट्राई किया है आपने? दिस इज माय फर्स्ट टाइम। ओके, वेरी नाइस एंड वेल डेकोरेटेड एंड फूड इज ऑसम। फूड इज ऑसम ना? या मी टू। अगर आप दिल्ली आए हो और सियार पार्क का दुर्गा पूजा नहीं देखे तो आप कुछ भी नहीं देखे हो, क्योंकि बंगाल में कलकत्ता के बाद यही वो जगह है जहाँ पे आप अच्छे से दुर्गा पूजा देख सकते हो, क्योंकि बंगाल का सबसे अच्छा होता है, उसके बाद सियार पार्क का ये दुर्गा पूजा जो कि 9 दिन बहुत ही भव्य से मनाया जाता है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव होता है। यहाँ का पंडाल बहुत अच्छा होता है, बहुत मतलब आप देख के अट्रैक्ट हो जाओगे। तो यही थी आज का मेरा भक्तिमय सफ़र जो कि आपके साथ मैंने किया। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, और यदि यहाँ नहीं आए हो तो दूसरी बार आप लोग आइए, और नमी के दिन आइए, काफ़ी आपको भीड़ मिलेगी, बहुत क्राउड मिलेगी। तो एंट्री, अब आपको मैं एग्जिट पॉइंट दिखा देती हूँ, ये रहा हमारा एग्जिट पॉइंट, यहाँ से हम लोग एग्जिट करेंगे, बाहर में हमें ऑटो कोई भी ट्रांसपोर्ट का चीज़ मिल जाएगा। तो आप लोग आइए, दुर्गा पूजा का मजे लीजिए, माता रानी से आशीर्वाद लीजिए, और आशीर्वाद लेने के बाद अपना पेट पूजा भी कर सकते हैं आप इधर, क्योंकि यहाँ पे बहुत यमी यमी टेस्ट। मैं फूडी हूँ इसीलिए आपको मैं बार बार फूड के बारे में दिखा रही हूँ कि बहुत टेस्टी, बहुत यमी यमी खाना मिलती है यहाँ पे, सारे आइटम, चाइनीज आपको हो गया, बंगाली हो गए, और फास्ट फूड हो, मतलब जितना भी आइटम आप चाहोगे यहाँ मिल जाएगी, बस थोड़ा प्राइस ज़्यादा होगी क्योंकि यहाँ का डेकोरेशन बहुत अच्छा, बहुत अट्रैक्टिव है इस वजह से। तो अभी आप मेरे साथ बने रहे, इसके लिए थैंक यू, और अगले वीडियो में कुछ और बातों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय माता।